लोग होने से इलाका जो है साफ दिखाई नहीं देता और पाकिस्तान की हरकतें जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए हम पेट्रोलिंग से ज़्यादा पेट्रोलिंग करके और एरिए को कवर करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान द्वारा की गई कोई भी साजिश को नाकाम कर सकें। और क्या नाम है, पेट्रोलिंग अपने पाकिस्तान पर गाड़ियों में और इसी तरीके से नाका ओपी करके हम ये एरिए को कवर करते हैं। रही फोग का और ठंड की बात, तो ये हमारा प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, इसको हम अच्छे भले से निपट लेते हैं, अपने कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों का सीमा सुरक्षा बल परिवार का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, चाहे वो भौगोलिक वातावरण विषम क्यों न हो। हम लोगों की सिखलाई इस प्रकार की दी जाती है कि हम सीमाओं पर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या ठंड हो, हम लोग 24 घंटा सीमा की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। संगठन द्वारा कुछ ऐसे स्पेशल उपकरण हैं जो कि रात और दिन में दोनों जो है देखने के लिए काम करते हैं और उसी से जो है इस सीमाओं की देखभाल करते हैं। दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन हम लोग जो है जन्मभूमि से इतनी लगाव है, हम लोग की सिखलाई में इतनी जो है अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से प्यार है कि हम लोग 24 घंटा तत्पर रहते हैं, अपने व्यक्तिवाद से ऊपर उठ करके भी राष्ट्रीय हित के लिए अपने कुर्बानी देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। घंटे ज़्यादा होने के कारण जवानों को दिखाई नहीं देता है, धुंध हो जाती है, तो इसको हम आगे इस्तेमाल करते हैं सरगंडा क्लीन करने के लिए, और जिससे ताकि जवानों को दिखाई दे और अपनी जो सुरक्षा है वो पूरी कंट्रोल में रखें। और इसको स्पेशल बीपी बनाया गया है, थोड़ा इसको चलाने में डर भी लगता है पर हिम्मत करके हम इसको चलाते हैं। ये एरिया आगे तक साफ हो जाता है ताकि आगे से कोई आने जाने वाला हो दिखाई देता है अच्छे से। सर्दी में मुश्किल तो होता है क्योंकि एरिया जो है दिखाई बहुत कम देता है, जब फोग पड़ता है तो एरिया बहुत ही विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे ही बॉर्डर पे हर समय पेट्रोलिंग या एम्बुश वगैरह लगा के ही एरिया को कवर किया जाता है। हम देश की सेवा करने के लिए आए हैं, 24 घंटे हम यहाँ पर तैनात रहते हैं, हमारे को ठंड गर्मी या क्या नाम है बारिश से कोई खास असर नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे देश के लोगों के सेवा के लिए डटे हुए हैं कि हम यहाँ अगर ड्यूटी करेंगे सही ढंग से तो जो हमारे पीछे लोग घरों में रह रहे हैं वो अच्छे ढंग से रह पाएंगे, और जो विदेशी ताकतें या कोई भी बाहर के तत्व जो हैं उनको नुकसान ना पहुँचा सकें। हम लोगों को कुछ जो है दर्शन से भी प्रेरित किया जाता है, जैसे राष्ट्रभक्ति की भावना, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद्यपि गरियसी, इस तरह की राष्ट्रीय हित की भावनाओं से हम लोगों को प्रेरित किया जाता है, और बल का हर एक इकाई इससे प्रेरित होकर के जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपने कर्तव्यों की निर्वहन सक्रियता के साथ करता है।